हेलो गाइस, दिस इज मार्वलस हीरो फैन और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये एक वीडियो में कैसे होगा, इसलिए हम लोग इसे 9 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करेंगे पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को, जिसमें कैप्टन अमेरिका कैप्टन मार्वल और फिर आयरन मैन को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक वीडियो में ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो सब होगा, आप सोचिएगा, पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट एवेंजर, ये 1940s के टाइम का है और 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। शुरू कहानी होती है, रेड स्कल को टेसरैक्ट मिलता है और फिर वो मास्टर के साथ ही बन जाता है। वो उसके बाद भगवान की सुर्ख आ जाती है, इससे अमेरिका को वर्ल्ड वॉर टू में बहुत परेशानी होती है। स्टीव रॉजर नाम का एक सूखा आदमी था, उसे अपने देश के लिए कुछ करना था तो वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था और उसका मदद एक साइंटिस्ट करता है और वो उसे सुपर सोल्जर सीरम देता है, जैसे वो कैप्टन अमेरिका बन जाता है। हाइड्रा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अडॉल्फ हिटलर के सेना में काम करती है एज अ साइंटिस्ट ग्रुप, और उसका लीडर ही है रेड स्कल। रेड स्कल का एक आर्मी है जिसका नाम आयरन जोला है, वही मेन साइंटिस्ट है। तो चलिए आगे का स्टोरी जानते हैं। कैप्टन अमेरिका के दोस्त बकी है सब रहते हैं और वो उन सबको जंग में पकड़ लिया जाता है और कैप्टन अमेरिका को नहीं भेजा जाता है जंग में लड़ने के लिए। इसके पीछे का कारण ये है, ये लोग सोचते नहीं कैप्टन अमेरिका सही है कि नहीं है, वो सब कैप्टन अमेरिका को मोटिवेट करने के यूज़ करते हैं, कॉमिक्स में यूज़ करते हैं। हाँ, कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका को मौका चाहिए था और वो उन सबको छुड़ाने के लिए अकेले चले जाता है, वो सबको हरा भी देता है, वो सारे सबको ला देता है और वह हाइड्रा के टेक्नोलॉजी को भी साथ में लाता है स्टडी के लिए। वहाँ हॉवर्ड तक उसका दोस्त था, वो उसे कैप्टन शील्ड देता है वाइब्रेनियम का, क्योंकि उसे वो देखता है कि वो एकदम परफेक्ट है शील्ड के साथ। और फिर कैप्टन अमेरिका का यहीं शुरू होता है। कैप्टन अमेरिका बहुत लोगों को खड़ाता है पर कुछ साल बाद ऐसे ही जब जंग करता है तो एक बार वो ट्रेन के पास उसका टीम जाता है हाइड्रा सोल्जर को लाने, और वहीं ना ट्रेन से बाकी गिर जाता है। ट्रेन एकदम हिमालय पर्वत के पास एकदम ऊंचा चल रहा था और ट्रेन से नीचे गिर जाता है बक्की और वो मर जाता है वहीं। कैप्टन अमेरिका बहुत परेशान होता है और उस फाइट में कैप्टन अमेरिका आरिम जोला को पकड़ लेता है। आरिम जोला उन लोग का भयानक प्लान बताता है कि वो शिप से बॉम्ब गिराएंगे और फिर वो पूरे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी उन सबको ख़त्म कर देंगे। तो कैप्टन अमेरिका जाता है लड़ने और फिर वो रेड स्कल के शिप में जाता है। बूम बूम फाइट होता है दोनों के बीच। रेड स्कल बोलता है मेरे पास भगवान के शक्ति, टेसरैक्ट को हाथ में पकड़ लेता है और फिर वो भगवान की तरह कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। यहीं कैप्टन अमेरिका सोचता है कि मैं क्या करूं, अब मेरे प्लेन चलाना आता है तो है नहीं, इसलिए वो क्रैश लैंड करवा देता है अपने प्लेन का और फिर वो गिर जाता है और बूम कैप्टन अमेरिका आइस में जम जाता है। ये स्टोरी ख़त्म हुई कैप्टन अमेरिका की। चलिए अब कैप्टन मार्वल की स्टोरी में जाते हैं। ये 1990s की स्टोरी है, डायरेक्ट 50 साल बाद की इतने अच्छे से कंफर्म नहीं किया गया है कि 1990s में कब की बात है, पर ये बस ये बताया गया है 1990s की बात है। तो 1990s ये सोचिए, 1990 समझिए, 1995 समझिए, मुझे कुछ नहीं जाता है। चलिए कैप्टन मार्वल की स्टोरी जानते हैं। कैप्टन मार्वल एक री थी और वो क्री में रहती थी और उनके दुश्मन थे स्क्रल। वो क्री के एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी जो स्क्रल से लड़ते थे। एक टीम का था, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में भारत का टीम था, वैसे ही एक टीम था जो स्क्रल्स को हराती थी, स्क्रल के बेसिस को उड़ाती थी। मूवी में स्क्रल को एकदम कमज़ोर लोगों की तरह दिखाया गया है अंत में। अभी का मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कैप्टन मार्वल स्क्रल्स का पीछा करते करते गलती से पृथ्वी में लैंड क्रैश लैंड करती है कैप्टन अमेरिका की तरह, परंतु वो आइस पर जमती नहीं, वो घर में किसी वो ब्लॉकबस्टर स्टूडियो के बिल्डिंग के नीचे गिर जाती है। वहाँ वो निक फ्यूरी से मिलती है। निक फ्यूरी समझ में उसे शुरुआत में पागल समझता है पर फिर मान लेता है क्योंकि स्क्रल्स का हमला होता है। फिर कैप्टन मार्वल अपने दोस्त के यहाँ जाती है, घुमा फिरा कैसे ऐसे चली जाती है और फिर उसे अपना ओरिजिन पता चलता है। उसका ओरिजिन ये होता है, एक दिन वो पायलट उस समय वो पहले वो पायलट थी और पृथ्वी की निवासी थी। जब वो प्लेन उड़ा रही थी उसकी जो बॉस थी वो असल में स्क्रल क्री निकलती है, माफ़ करिएगा मैं स्क्रल बोल दिया था गलती से, और क्री लोग उसका पीछा कर रहे थे
और फिर वहाँ ना उस प्लेन में एक पावर कोड होता है, पावर कोड टेस्टरैक्ट में चलते एकदम बड़ा सा होता है, उसे कैप्टन मार्वल गोली मार देती है क्योंकि जो क्री के सैनिक थे वो मना कर रहे थे उसे गोली मारने से, इसलिए वो गोली मार देती है और फिर उसे ऐसा पावर मिल जाता है। शायद उसका याददाश्त भी चला जाता है, हाँ उसका याददाश्त चला ही जाता है। और फिर क्री लोग उसे अपने यहाँ ले जाते हैं और सैनिक बना देते हैं। कैप्टन मार्वल को जब पता चलता है तो स्कल की शिप में जाते हैं और फिर स्कल का सच्चाई पता चलता है, वो लोग तो कमजोर है, क्री असल में बदमाश है। उसके बाद यह होता है कि कैप्टन मार्वल क्री के एरिया में जाती है, बूम बूम फाइट होता है, रोनन एक्यूसर भी डर जाता है कैप्टन मार्वल के पावर से और स्टोरी ख़त्म। उसके बाद कैप्टन मार्वल 20 सालों के लिए स्क्रल के लिए घड़ी खोज रही है। चलिए अब आगे का स्टोरी जानते हैं। यह है एक बिलियनेयर की स्टोरी, आयरन मैन की स्टोरी है। यह MCU की पहली मूवी है, MCU की सबसे बेस्ट ऑरिजिन मूवी है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जानना है कि कैसे MCU की बेस्ट ऑरिजिन मूवी है तो हमारे ये वीडियो देखते हैं टॉप 10 ऑरिजिन मूवीज, ओके देखिएगा ज़रूर। आपको वहीं दिख रहा होगा कहीं स्क्रीन पे ना, आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, आई बटन पे, हाँ आई बटन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टोनी स्टार्क एक अरबपति है और उसके पिताश्री का नाम हॉवर्ड्स रखे, हाँ वहीं हॉवर्ड्स जो कैप्टन अमेरिका के ज़माने का था। उसका मौत 16 दिसंबर को होता है, 16 दिसंबर 1990। और फिर टोनी स्टार्क के बाप का दोस्त ओबाडिया स्टेनली उसका देखभाल करता है। टोनी स्टार्क एक स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक ही कहेंगे। और फिर वो स्टार्क और वो हथियार की कंपनी है, वो हथियार अपने हथियार को बेचने के लिए वो अफगानिस्तान जाता है और अफगानिस्तान में उसे आतंकवादी ये सब पकड़ लेते हैं और आतंकवादी वहीं उसी हथियार को बनाने के कहते हैं। और टोनी स्टार्क अपने यार येनसेन के साथ सूट बनाता है, उसमें ज़्यादा हाथ टोनी स्टार्क ही का होता है और साथ में एक आर्क रिएक्टर बनाता है। आप सोचते हैं आर्क रिएक्टर तो टोनी स्टार्क ने बनाया, नहीं, सबसे पहले आर्क रिएक्टर हॉवर्ड स्टार्क ने बनाया था, पर वो बहुत बड़ा था और टोनी स्टार्क उसे इतना छोटा मिनिमाइज करता है कि उसके सूट में फिट हो जाए। टोनी स्टार्क फिर वहाँ से भाग जाता है, असल में उसे उसका सूट तब तक बीच जंग में ख़राब हो जाता है, फिर आर्मी वाले लोग उसे खोज लेते हैं। और फिर टोनी स्टार्क जब पहुँचता है तब वो ये फैसला करता है कि हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज को बंद करने हैं। सब लोग परेशान हैरान। और फिर टोनी स्टार्क बीच में बोलता है और सूट क्यों ना बनाए, और वो और सूट ऐसे सब बनाने लगता है और सूट को टेस्ट करता है, Mark 3 तक वो बना लेता है मूवी में। और फिर वो सारे सूट को ट्राई करता है। ओबाडिया स्टेन का हमेशा से मकसद यही था कि पूरे टोनी स्टार्क के प्रॉपर्टी उन सब पे कंपनी उन सब पे कब्जा कर ले। और टोनी स्टार्क को अचानक से पता चलता है कि उसके वहीं हथियार ही सब आतंकवादी लोगों को दिए जा रहे हैं और टोनी स्टार्क को ओबाडिया स्टेन में शक होता है। तो ओबाडिया स्टेन टोनी स्टार्क को हराने के लिए खुद का एक सूट साइंटिस्ट लोगों के द्वारा बनाता है, पर उसे बस एक प्रॉब्लम थी, उसे आर्क रिएक्टर इतना छोटा कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो टोनी स्टार्क पे एक पैरालाइज टाइप कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, वो पैरालाइज हो जाता है, आर्क रिएक्टर निकल जाता है, फिर तो वो और ही हो जाता है। पर फिर उसे ऐसे तय और फिर वो उसका आर्क रिएक्टर उसके सीने से निकाल के ले जाता है अपने सूट के लिए। टोनी स्टार्क को उसका एक AI रोबोट देता है उसको उसका एक और आर्क रिएक्टर, क्योंकि वो ढेर सारा आर्क रिएक्टर बनाया हुआ था, बहुत सारे का पावर जल्दी ख़त्म हो जाता था, वैसे ही था, मैं अच्छे से याद नहीं है, मैं बिना स्क्रिप्ट बना रहा हूँ इसलिए, पर कुछ ऐसा ही था। उसे एक आर्क रिएक्टर रोबोट देता है, AI रोबोट। आप सोच रहे जार्विस दिया होगा, नहीं जार्विस नहीं था, वो टोनी स्टार्क का पहला AI रोबोट था। उसका नाम मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्या है, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए वो AI रोबोट बनता है, वो सूट तैयार होता है लड़ने के लिए ओबाडिया स्टेन से, अंत में दोनों की फाइट होता है, बूम 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 फाइट, और फिर ओबाडिया स्टेन हार जाता है। और उसके बाद टोनी स्टार्क अंत में ना अगले दिन बता देता कि मैं ही आयरन मैन हूँ, आई एम आयरन मैन। वेल मूवी के अंत के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी आता है, बोलता है एवेंजर्स इनिशिएटिव। वेल तो यही था MCU का Part 1 एक्सपीरियंस। अगले पार्ट में हम लोग एक राक्षस के बारे में जानेंगे, कैप्टन अमेरिका बर्फ से जमा तो उसके बाद क्या हुआ, और म्यूनियर के बारे में जानेंगे और आयरन मैन के एक और दुश्मन, नया दुश्मन के बारे में हम लोग जानेंगे। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।